रोडों की काम जो है उनको समय हम लोगों ने दिया था कि 20 जून तक जो है ठेकेदार अपना काम पूरा कर लेंगे, और यदि किन्हीं कारणों से क्योंकि शहर में समस्याएं भी हैं और इन समस्याओं कारण यदि मान लो थोड़ा सा यदि काम लेट भी होता है तो ऐसा कुछ व्यवस्था बनाएंगे कि जिससे ट्रैफिक बाधित भी ना हो और ये थोड़ा सा समय दे करके इनसे काम जो है ठेकेदारों से पूर्ण करा लिए जाए। अभी रोड चौड़ीकरण का जो अर्थ है लोगों ने उसको अच्छे से लगाया नहीं। रोड चौड़ीकरण का जो हमारा मकसद है कि आज के डेट पर शहर में ट्रैफिक की समस्या आ रही है और इसी को देखते हुए हमने रोड चौड़ीकरण का काम जो है करवा रहे हैं, और इसके बाद रोड चौड़ीकरण के बाद फिर पेवर ब्लॉक का काम भी चालू है, और पेवर ब्लॉक लगने के बाद हमारी जो है एक डावर पट्टी चलेगी वाइट कलर की, और वो टू लाइन इस तरफ और टू लाइन इस तरफ रहेगी। टू लाइन में कोई भी वाहन या कोई भी पथ विक्रेता या कोई भी दुकानदार कोई भी सामान रख नहीं पाएगा। लगातार अभियान चलाएंगे हम और जुर्माने की कार्रवाई करेंगे और सामान भी जब्त करेंगे। निश्चित तौर पर हमारा मकसद जो है इस शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाना, मतलब ट्रैफिक मुक्त का मतलब ये है कि जो अव्यवस्थाएँ शहर में हो गई है तो उससे निजात पा सके जनता। नहीं, इस पर तो मैंने जो आपको बताया कि ट्रैफिक के अंतर्गत वो समस्या वही है कि यदि हमारे जो रोडों के अंदर कोई भी ठेला हो या कोई भी हो वो नहीं लगाएगा। वो तो मुख्यमंत्री जी उनको यदि फ्री करते हैं तो वो अलग चीज़ है कि वो ऐसी जगह लगाएं जहां ट्रैफिक बाधित ना हो, लेकिन जहां ट्रैफिक बाधित होगा वहां हम किसी को नहीं लगाने देंगे। चीज़ तो ये है कि चौड़ीकरण के बाद जो किनारे की पट्टी बचेगी जिसको अपन फुटपाथ के नाम पे जिसको अपन कहते हैं, तो उन फुटपाथों में जहाँ जगह होगी तो उनको हम बोल सकते हैं कि वहाँ लगा लें। लेकिन जो मैंने अभी बात की कि जो हमारी टू लाइन दोनों तरफ जो रहेगी उस पर हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। हमने मौखिक तौर पर उनसे बोला है और अभी लिखित तौर पर ही बोल देंगे कि बारिश के पहले तब वो अपना काम जो खोदे हैं जहाँ उनको पूरना है, लाइन बिछाना है, जो भी काम है उनके वो बारिश के पहले कर लें। बारिश में उनको हम कहीं भी खोदने नहीं देंगे, पद मुकाब लगाए अपना। तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि शहर को सुंदर बनाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं, और कितना हम सुंदर बना सकते हैं। जैसे आपने कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि पेड़ काट दिए, निश्चित तौर पर यदि हमने पेड़ काटे हैं तो कोई ना कोई उनकी व्यवस्था लगाने की भी करेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि नगर पालिका पेड़ काट दी तो लगाएगी नहीं, वो भी अभियान चलाएंगे हम। पहले हमारा काम पूर्ण तो हो जाए, क्योंकि हमारा काम ही पूर्ण नहीं हुआ है।